इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दें कि आज सुबह कानपुर में एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें अब तक जो इंजर्ड की संख्या है वो 70 के आसपास पहुंच चुकी है और कई लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। 20 दिन पहले यानी 20 नवंबर के दिन भी कानपुर के पास ही एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें मरने वालों की तादाद 150 तक पहुंच गई थी। हर रोज ट्रेन हादसे होते हैं और हर बार सरकार कहती है कि वो सुविधाएं देंगी, सफर को सुरक्षित बनाएंगी। अब लोगों से जानते हैं कि वो कितना सुरक्षित करते हैं, अपने आप को महसूस कितना करते हैं कि वो सुरक्षित है ट्रेन के दौरान। There should be some checks before any train coming to Kanpur station or any other station. There should be some checks like they should check before any train coming, any fast express trains coming. So because we have seen last two train accidents, and this is really not accepted from trains because we are paying a lot to the government. They are increasing the cost of the tickets, but still they are not providing the security. If I have to travel again via train, then I would think, why should I travel through train? Because there is not any security. We are not sure that we will be reaching our destination or not. बड़ा सवाल यही है कि ट्रेन पैसे बढ़ाती है, सफर महंगा करती है, लेकिन इस महंगे टिकट के बाद भी सिक्योरिटी कितनी है? आपकी जिंदगी का सफर, जिस पर आप आरामदायक सफर के लिए निकले हैं, कहीं वो आपकी जिंदगी का आखिरी सफर ना बन जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ट्रेन में आप लोग सफर करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, कितना सुरक्षित है ट्रेन का सफर? सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग आ रहे थे, अभी मैं जम्मू से आया हूँ, तो मैंने देखा एक भी सिक्योरिटी पर्सन नहीं था पूरी ट्रेन में, और वो भी उन सीटों पे वो सोते हैं जो हाउसकीपिंग वाले हैं। अब हम हाउसकीपिंग पे इतना विश्वास करते हैं कि मतलब सिक्योरिटी हमें जरूरत नहीं, हाउसकीपिंग ही हमारी सुरक्षा कर रही है। तो अब आप देख लीजिए, और पैसा इतना कि 57% बता रहे हैं कि भाई हम लोग ले रहे हैं, तो क्या 57%? अब हमारा 1500 रुपये जम्मू से हम लगा के आए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आए कि हमारा सामान चोरी हो जाए। हम क्या कहें, आदमी ले सिक्योरिटी के पैसे लेके चलता है, ये चलता है, क्या कहें। देखिए, सिक्योरिटी लूप हाउस पे बोल रहे हैं कि ट्रेन के अंदर किस तरह की अंधेरगर्दी है, किस तरह से यात्री सुरक्षित नहीं है, क्या कुछ चल रहा है, इनसे जानते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आ रहा हूँ। कितनी सुरक्षित है आपकी ट्रेन जब आप ट्रेन में आते हैं? आज सुबह कानपुर में रेल हादसा हुआ, 20 दिन पहले ही एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, क्या कहते हैं, ट्रेन में सफर करना कितना सुरक्षित है आपके लिए? सुरक्षा बिल्कुल नहीं है ट्रेन में। आज के समय में आप देख सकते हैं ये ट्रेन में सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी। अब जैसे रेल हादसा हुआ, पीछे मरने की तादाद 1000 से ऊपर थी, लेकिन दिखाई गई है सिर्फ 500-200, जिसके कारण सरकार ये पैसा वैसा इधर उधर से आता है, लेकिन सुरक्षा बिल्कुल नहीं है ट्रेन में आज के समय में। और जो टिकट चेकर होते हैं भी अपनी अपनी दिखाते हैं चेक, मतलब कि अगर बंदे पास टिकट होता है तो वो मतलब जब भी कहते हैं कि टिकट है यार, आपको फिर भी पकड़ लेते हैं। इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। आम लोगों का ये कहना है कि ट्रेन में सफर जरूर करते हैं, लेकिन मजबूरी में सफर करते हैं, सिक्योरिटी नहीं है। भाई साहब, आप जानते हैं ट्रेन में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, क्या एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि ट्रेन को क्या कुछ बदलना चाहिए? ट्रेन आम लोगों के लिए तो कम से कम सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि मतलब कि जो जनरल डब्बे में जा रहे हैं उनके लिए यार अच्छा होना चाहिए, कि जैसे जा रहे हैं तो मान लिया जा रहे हैं तो उनके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अलग से डिब्बे लगाने की जरूरत है। इतनी भीड़ ना होनी चाहिए कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती बंदों को, तो इसमें आधे तो नीचे दब जाते हैं और कुछ तो चलती हुई ट्रेन में लड़ जाते हैं, जिससे कभी कट जाता है, कभी पैर कट जाता है, कभी हार्ट कट जाता है, कभी क्या होती है। एक्सीडेंट्स की बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि रेलवे अगर चाहे तो एक्सीडेंट्स कम कर सकता है, सिर्फ उतने ही टिकट आरक्षित किए जाए जितना की ट्रेन में जगह है, ये इनका कहना है। आप जानते हैं भाई साहब, ट्रेन में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित यात्रा का मौका मिल सके? भैया, बदलाव तो ये होना चाहिए, यानी कि जब शाम के टाइम ट्रेन आती है तो सबसे ज्यादा उसमें माल भरने वाले होते हैं, ना तो उतरने देते ना चढ़ने देते हैं। सबसे बड़ी वो दिक्कत ये, अगर किसी को कहो ना भैया थोड़ा माल भी चल ले, अरे क्या हो गया, हमने पैसे नहीं दिए, और ना यहाँ कोई पैसे देता है ना माल का, चार चार छः छः दस दस पेटियाँ लगा के रख लेते, बोलिए गेट जाम, ना कोई पुलिस वाले से कुछ कहता है ना कोई कुछ कहता है, सिर्फ यानी कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ना तो यहाँ कोई पैसे लेते ना कुछ। अगर बात करें रेल हादसों की, खास तौर पे अगर हादसों पे फोकस किया जाए, तो कुछ लोगों से ये भी जानते हैं कि सुरक्षा तो अब राम भरोसे है भारतीय रेल कि आप सुरक्षा के दाव पर एक दाव लगाकर अपनी जिंदगी चलते हैं, सफर सिर पर कफन बांधकर चलते हैं कि हम ट्रेन का सफर जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे नहीं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ये बात कही है कि हम सफर जो हादसा होता है ट्रेन में उसमें जो लोग जान गंवाते हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए मुआवजा राशि को दोगुना कर देंगे।
क्या लगता है कि क्या मुआवजा राशि दोगुना होने से ये जख्म भर जाएंगे जो लोग मारे जाते हैं? आप जानते हैं भाई साहब, अगर ट्रेन में आप जाते हैं और बड़ा हादसा हो जाता है और आपको कोई 8-10 लाख रुपए दे दे तो क्या आपका परिवार उसे एक्सेप्ट करेगा? सर पैसों से कुछ थोड़ी होता है, कल को मुझे कुछ हो गया 10 लाख रुपए कब तक चलेंगे? जब तक मैं हूँ अपने वाइफ की अपने परिवार की जिंदगी चलाऊंगा, लेकिन 10 लाख तो कभी ना कभी तो खत्म होएंगे, उसके बाद क्या होगा? बड़ी बात है कि 10 लाख रुपए भी अगर मिलते हैं तो ये भी एक सवाल खड़ा है सरकार के ऊपर, रेल मंत्रालय के ऊपर, कि सर क्या पैसों से जिंदगी लौट आएगी? या कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि मुआवजा राशि तो आप कितनी बढ़ा दीजिए लेकिन जिंदगी पर खतरा अभी भी बरकरार है। आपसे ये जानते हैं भाई साहब, एक मिनट बताएं आप, कि सरकार कहती है कि मुआवजा राशि बढ़ा देंगे, जो ट्रेन में लोग मर जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं, क्या मुआवजा सफिशिएंट है उसके लिए? मुआवजे से कोई आदमी की जिंदगी थोड़ी खरीद सकता है, जो उनके साथ हो रहा है उसके ऊपर भी तो सोचना चाहिए, हादसों को बचाने के लिए सोचना चाहिए सरकार को, जो उसके लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। अच्छा एक सवाल सर ये भी हमारा, कि एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन की बात करें, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करें, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारी मौजूदा ट्रेन है, सुपरफास्ट है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो लगातार हादसों का शिकार हो रही है, तो क्या लगता है कि सपना साकार हो पाएगा बुलेट ट्रेन का? नहीं, पहले तो इन्हीं ट्रेनों को सही करना चाहिए ना, ट्रैक्स इतनी खराब है आप खुद ही देख सकते हैं, लेट चलती है इतनी ट्रेनें, पहले उन्हें ठीक करें उसके बाद ही आगे फर्दर सोचना चाहिए सरकार को, पहले जो चल रहा है उसे ही ठीक करें, उससे ही हम इतना परेशान है, ट्रेन सर्दियों में इतना लेट होती है कोहरे के कारण, पहले उन्हें ही ठीक करें उसके बाद आप बुलेट ट्रेन के सपने के बारे में सोच सकते हैं। अगर यही ट्रेन अच्छे से चल रही है तो बुलेट ट्रेन का तो आप सोच सकते हैं क्या ही चलेंगी। सवाल देखिए कितना बड़ा सवाल है, कि सपने पर सेंध लगी है, सरकार बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अगले 5 सालों में पटरियों पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी जापान की तरफ पर, लेकिन भारत में हाल ये है कि जो मौजूदा ट्रेन है, जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, हमारी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, वही कई कई घंटे लेट होती हैं, कई बार रद्द हो जाती हैं, और जो पटरियों पर चलती भी हैं वो सिर्फ राम भरोसे चलती हैं, यानी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, यात्री बेहाल हैं, सुरक्षा के नाम पर सबसे बड़ा सवाल है। और बात कही जाती है मुआवजे की, कि मुआवजा राशि बढ़ा दी जाएगी लोगों की, और हकीकत ये भी है कि लोग नहीं चाहते कि मुआवजा मिले, वो चाहते हैं कि हमें ट्रेन में सुरक्षित सफर मिले। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश कमल के साथ गाजियाबाद से गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट के लिए।